हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 ऑफ बायोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। हमने लास्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस पार्ट्स के बारे में देखा। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द माउथ, देन बकल कैविटी में बेटा पैलेट तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो गो थ्रू द लास्ट लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 2। तो बेटा हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन से हमने स्टार्ट किया। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर बेटा एक आपका एलिमेंट्री केनाल होता है। सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हमने बेटा एलिमेंट्री केनाल के वेरियस पार्ट्स के बारे में देखा था। फर्स्ट पार्ट क्या बताया था? फर्स्ट इज माउथ, इंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री केनाल इज माउथ। आफ्टर दैट बकल कैविटी, फैरिंग्स, ईसोफेगस, विच लीड्स टू स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोगों ने बेटा बकल कैविटी के अंदर माउथ वी आर ऑलरेडी कवर्ड, बकल कैविटी के बेटा पार्ट्स पैलेट, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड ऑल्सो कम्स इन बकल कैविटी। ऑल्दो वी विल कवर दिस ग्लैंड इन डाइजेस्टिव ग्लैंड पोर्शन, बट बेटा ये बकल कैविटी में आता है तो हम लोग इसको पहले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बकल कैविटी का पैलेट वाला रीजन वी आर ऑलरेडी कवर्ड। अभी हम शुरू करेंगे बेटा द सेकेंड पार्ट ऑफ बकल कैविटी विच इज टीथ। टीथ क्या होता है? एवरीवन नोस, है ना? टीथ क्या होता है बेटा? मुंह खोलो आपको बहुत सारे दांत दिखाई देंगे, राइट? टीथ है बेटा ऑर्गन्स फॉर कटिंग, बाइटिंग एंड चूइंग, ग्राइंडिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। दांत का इस्तेमाल होता है ना बेटा, जो भी हम खाना खाते हैं उसको बाइट करते हैं, तो कटिंग, बाइटिंग, चूइंग सब के लिए मुंह में क्या प्रेजेंट है? मुंह में टीथ प्रेजेंट है। टीथ जो होते हैं बेटा, अगर हम ह्यूमन टीथ की बात करें तो हमारे जो ह्यूमन टीथ है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइफायोडोंट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोडोंट, देन फीकोडोंट एंड ब्यूनोडोंट। ह्यूमन टीथ को डाइफायोडोंट बोलते हैं, एट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड ब्यूनोडोंट। ऐसा क्यों? अभी इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। क्योंकि बेटा डाइफायोडोंट इसलिए बोला जाता है कि जो ह्यूमन टीथ है बेटा लाइफ में दो बार आते हैं। टू टाइम्स मींस एक को क्या बोलते हैं जो पहली बार दांत आते हैं? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। सेकेंड टाइम जो टीथ आते हैं बेटा उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, परमानेंट टीथ। अभी इनका हम डिटेल देखेंगे, ठीक है? तो डाइफायोडोंट किस लिए बोलते हैं ह्यूमन टीथ को? क्योंकि ह्यूमन की लाइफ टाइम में दो बार टीथ आते हैं। वन, फर्स्ट टाइम इट्स मिल्क टीथ, सेकेंड टाइम परमानेंट टीथ। हेटरोडोंट क्यों बोला गया है? क्योंकि बेटा हमारे मुंह में अलग अलग तरीके के दांत हैं,
अलग अलग मीन्स चार तरीके के दांत हैं, यानी कि इंसीजर, खरगोश वाले जो दांत आगे होते हैं, दीज आर कॉल्ड इंसीजर, जो कटिंग का काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा केनाइंस, केनाइंस जनरली चीरफाड़ के लिए जरूरी है। जनरली बेटा केनाइंस फुल्ली डेवलप, या बोलोगे ये उनके अंदर जो होते हैं ना कार्निवोर जो होते हैं उनमें वेल डेवलप होते हैं। उसके बाद है बेटा प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। चार तरीके के दांत हमारे इंसान के अंदर देखने को मिलते हैं, इसीलिए ह्यूमन बीइंग को बेटा हेटरोडोंट बोला जाता है, ठीक है। थीकोडोंट क्यों बोलते हैं? थीकोडोंट इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि ह्यूमन टीथ जो है फिटेड इनटू सॉकेट, सॉकेट के अंदर फिट है दांत, इसीलिए उनको थीकोडोंट बोलते हैं। ब्यूनोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा हमारे दांत जो होते हैं ब्लंटेड कस्प होते हैं, दांत जो है ऊपर से ऐसे नुकीले नहीं है बेटा, ब्लंट एंड होता है उनका, इनको बोला जाता है ब्लंट एंड बोलते हैं या ब्लंट कस्प बोलते हैं बेटा, ब्लंट कस्प, ठीक है। आप बोल सकते हो हिंदी में पैने नहीं होते, तीखे या नुकीले नहीं होते, आर टीथ आर ब्लंट, इसलिए बेटा उनको ब्यूनोडोंट बोला जाता है। ह्यूमन टीथ के बारे में है, अभी इसकी बेटा डिटेल करते हैं, जस्ट नोट इट डाउन फर्स्ट। चले आगे, आप देखते हैं बेटा ये जो टीथ है, इन टीथ को हमने हेट्रोडोंट, डाइफाइडोंट, थीकोडोंट ये सब बोला, तो ये किस बेसिस पर बोला, क्या टीथ का क्राइटेरिया है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो ये जो टीथ है बेटा, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हम टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीथ या टाइप्स आप लिख सकते हो बेटा, टाइप्स ऑफ टीथ भी लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ टीथ लिखो आप, टाइप्स ऑफ टीथ on the basis of number of set, कितने set दांत के होते हैं बेटा, उसके आधार पर टीथ को कितने टाइप्स में बांटा गया। फर्स्ट हमने देखा है बेटा मोनोडोंट, मोनोडोंट means कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जिसके अंदर जो टीथ होते हैं लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं, अगर एक बार टूट गए दोबारा टीथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स टीथ ओरिजिनेट टीथ ओनली वंस इन लाइफ टाइम, जिंदगी में एक ही बार। इसका कॉमन एग्जांपल है बेटा व्हेल, व्हेल मछली है, एक बार दांत आया टूट गए उसके बाद दांत नहीं आए। सेकेंड है डाइफायोडोंट, हमने अभी पढ़ा ना डाइफायोडोंट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ह्यूमन बीइंग के बारे में। डाइफायोडोंट क्यों बोला? टीथ कम्स टू टाइम्स इन द लाइफ या इन लाइफ टाइम, जिंदगी में दो बार दांत आएंगे। फर्स्ट टीथ जो होते हैं बेटा उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, एंड सेकेंड टीथ को हमने बोला परमानेंट टीथ, ठीक है। मोनोडोंट हो सकते हैं, डाइफायोडोंट, तो पॉलीडोंट भी हो सकते हैं, पॉलीडोंट। ये वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जिनके टीथ जितनी बार टूटेंगे उतनी बार नए दांत आ जाएंगे, ठीक है। मैनी टाइम्स एंड लाइफ टाइम, हमारे लाइफ टाइम में बहुत सारी बार जितनी बार टूटेंगे नए दांत आएंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं बेटा इसका, एम्फीबियंस में ऐसा ही देखने को मिलता है,
फिशेस के अंदर भी ऐसा कुछ, काफी फिशेस हैं जिनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीथ या टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट। अगर एक बार दांत आए हैं तो मोनोडोन, टू टाइम्स डाइफायोडोन, मेनी टाइम्स पोलीडोन। नेक्स्ट क्राइटेरिया या कैटेगरी है बेटा टीथ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के आधार पर अभी हमने ह्यूमन के टीथ देखे ना, ह्यूमन के तो क्या थे, हेटेरोडोंट, बहुत सारे टाइप्स के हैं। तो अभी उसके बारे में और डिटेल करते हैं। यानी कि अब टाइप्स ऑफ टीथ देखते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ शेप। के आधार पर दांत कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम होमोडोंट। होमोडोंट मीन्स सिमिलर शेप होगी, सिमिलर शेप। जैसे फिशेज और एम्फीबियंस में बेटा जो दांत रहते हैं उनकी शेप सिमिलर, ऐसे ऐसे है ना। शार्क के दांत, जब शार्क मुंह खोलती है कार्टून में देखा होगा बेटा, ऐसे ऐसे नुकीले दांत सिमिलर शेप के नजर आते हैं। ठीक है, दे अराइज फ्रॉम द बोन, बोन से अराइज हुए, सिमिलर टाइप के टीथ है। तो सच टाइप ऑफ टीथ जिसमें दांत बिल्कुल एक जैसे हैं बेटा, इनको बोलते हैं होमोडोंट। सेम शेप ऑफ द टीथ, सेम शेप ऑफ द टीथ, दांतों की शेप बेटा बिल्कुल सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगैन, फिशेज एम्फीबियंस आप लिख सकते हो, फिशेज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ठीक है, इनमें दांत जो बेटा सिमिलर टाइप के देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं सेकेंड टाइप मीन्स हेटेरोडोंट, हमने स्टार्टिंग में बताया था इससे पहले कि हेटेरोडोंट ह्यूमन में देखने को मिलते हैं वेरियस टाइप ऑफ टीथ। हेटेरोडोंट में क्या होते हैं, different type of teeth are present, different type of teeth present in buccal cavity. हमारी buccal cavity के अंदर बेटा बहुत सी types के teeth present है। ठीक है, नाम अभी मैंने आपको बताया था, I'm just writing it once again, एक बार फिर से लिख रहे हैं। एक होते हैं बेटा incisor, second is canines, थर्ड टाइप प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। इनको बेटा सिंगल लेटर, इंसिजर को हम आई से डिनोट करते हैं, किनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी एम, एंड मोलर्स के लिए बेटा हम एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं बेटा इन किस तरीके से बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। I'm just drawing the same diagram जो कि आपका NCERT में दिया गया है बेटा। ये हम आप बकल कैविटी के अंदर ये जो टीथ होते हैं बेटा ये सॉकेट में फिट होते हैं, हमने बताया। ठीक है, हाफ जॉ की बात कर रहे हैं, जबड़ा है आपका बेटा इसका अपर हाफ, वन साइड, इसकी हम बात कर रहे हैं। फ्रंट में जो टीथ नजर आते हैं ये वाले, ये कौन से टीथ है बेटा, दीज आर इंसीजर, इंसीजर है, आई इंसीजर। सेकेंड टाइप केनाइंस की होती है बेटा, जो ड्रैकुला वाला टीथ होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, सेकेंड टाइप, विच इज स्लाइटली पॉइंटेड, पॉइंटेड टीथ होता है बेटा ये। ठीक है, ये है केनाइन। उसके बाद होते हैं बेटा मोलर्स, प्री मोलर सॉरी, उसके बाद होते हैं आपके मोलर्स। तो यहां आप देख सकते हो बेटा थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमने दिखाए हैं, फर्स्ट इंसीजर, देन केनाइंस, देन प्री मोलर, मोलर।
1 2 3, ये बेटा 1 2, ठीक है। सिमिलरली हमने अपर जाके वन साइड की बात किए है, तो बेटा कितने हैं इंसीजर, कितना है 2, केनाइन 1, प्रीमोलर अगेन 2, केनाइन्स सॉरी मोलर्स 3, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट रहेंगे, एक साइड इतने हैं सिमिलर, दूसरी तरफ भी इतने ही टीथ रहेंगे, तो 2 1 2 3 वन साइड, सेम जितना ऊपर है उतना ही नीचे रहेंगे 2 1 2 3, एंड वन साइडेड जॉइंट्स कवर्ड सिमिलरली इतने ही दूसरी तरफ है अगेन 2, कितने हो गए टोटल टीथ 2 1 3 और 2 5 6 7 8 8 8 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो बेटा ह्यूमन बीइंग के अंदर 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं बेटा अडल्ट ह्यूमन। एडल्ट्स के अंदर जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है दैट विल बी 2 1 2 3, ठीक है। ये आपको पता है 2 1 2 3 हमने क्यों लिखा है, 2 इंसीजर के लिए, देन केनाइन्स प्रीमोलर एंड 3 इज फॉर मोलर। अब बात करते हैं बेटा जो इन्फेंट होते हैं उनमें कौन से दांत नहीं होते हैं। देखो बेटा जो लास्ट मोलर होता है इसको हम बोलते हैं बेटा विजडम टूथ, लास्ट मोलर इज कॉल्ड विजडम टूथ। और विजडम टूथ जो होता है बेटा कब आता है, यानी कि जिसको आप अकल जाड़ बोलते हो, जनरली बेटा आफ्टर 18 इयर्स आती है। तो विजडम टूथ 1 एक उधर, एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक नीचे है, एक इधर है, टोटल 4 विजडम टीथ आते हैं। तो विजडम टीथ जो होते हैं बेटा ये कब आएंगे, एज आई टोल्ड यू 18 साल के बाद। तो तब तक क्या है, अगर इन्फेंट है तो उसमें विजडम टूथ होगा क्या, नहीं होगा। तो दैट मीन्स इन केस ऑफ इन्फेंट इंसीजर प्रेजेंट है, यस इंसीजर 2 है, केनाइन 1 प्रेजेंट होता है, प्रीमोलर्स नहीं होते। इन्फेंट में प्रीमोलर्स नहीं होते, दैट मीन्स प्रीमोलर्स में हम क्या लिखेंगे बेटा 0। मोलर्स अभी हमने बताया, मोलर्स ब्लैक कलर तो विजडम टीथ है ना, वो तो आएगा ही नहीं। तो दैट मीन्स जो मोलर्स हैं ओनली 2 मोलर्स विल बी प्रेजेंट इन अ इन्फेंट, 2 1 0 2। कितने टीथ हो गए बेटा छोटे बच्चे में, मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 4 5, 5 and 5 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स टोटल टीथ रहेंगे बेटा 20। इन्फेंट के अंदर टोटल टीथ कितने रहेंगे बेटा 20। एंड व्हाट विल बी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ इन्फेंट, क्या रहेगा 2 1 0 2 मीन्स 2 1 0 2 upon 2 1 0 2, दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर यहां तक, अभी तक हमने देखा बेटा टीथ को ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, होमोडोन सिमिलर टाइप ऑफ टीथ देखने को मिलेंगे इस तरीके से, एक जैसी शक्ल है। हेट्रोडोंट की हमने बात की, वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, 4 टाइप्स ह्यूमन बींग के अंदर देखने को मिलते हैं। इंसीजर, इंसीजर किस लिए है, जनरली बेटा कटिंग के लिए होते हैं, काटते हैं, ठीक है। केनाइन्स टियरिंग के लिए होते हैं। मोलर्स प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए होते हैं बेटा, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, ठीक है। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से बक्कल कैविटी में ये टीथ जो होते हैं बेटा फिक्स होते हैं, इनिशियल 2 यानी कि पहले वाले 2 है इंसीजर है, फिर केनाइन प्रेजेंट है, देन प्रीमोलर, उसके बाद मोलर्स। डेंटल फॉर्मूला हमने देखा कितने हैं, इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर्स 3, 2 1 2 3 upon, सिमिलर ये ऊपर है ऐसे ही नीचे रहेंगे, एंड अगेन तो आप एक साइड में इतने हैं दूसरी साइड में भी, आप बात करो बेटा अपर जॉ में जितने हैं उतने ही लोअर जॉ में होंगे। तो बेटा दिस विल बी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट, टोटल नंबर ऑफ टीथ हमने देखा 32 है,
एंड इन केस ऑफ इन्फेंट विजडम टूथ इज एब्सेंट, इन केस ऑफ इन्फेंट प्रीमोलर्स एब्सेंट. ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन केस ऑफ इन्फेंट इज 20. कौन कौन से टीथ एब्सेंट है, प्रीमोलर नहीं है और विजडम टूथ नहीं है. ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा टीथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है. थर्ड टाइप हम इसके अंदर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट. टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, किस तरीके से बेटा वो बोन के साथ अटैच होते हैं उसके आधार पर. किस तरीके से अटैच होते हैं, फर्स्ट टाइप इनकी हम देखते हैं एक्रोडोंट. एक्रोडोंट, एक्रोडोंट क्या होते हैं बेटा, जब जो टीथ होते हैं बेटा जो बोन से डायरेक्टली अराइज करते हैं, टीथ अराइज फ्रॉम जो बोन. These are superficially attached. ठीक है, कैसे अटैच होंगे बेटा, ये टीथ जो होते हैं इस तरीके से जो हमने देखा था, ये जॉ बोन है. ठीक है, इससे अटैच होते हैं. इसका एग्जांपल अभी हमने देखा था, किसके अंदर देखने को मिले थे दिस टाइप ऑफ टीथ, बोलो भाई, फिशेज एंड एम्फीबियंस में. तो फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर जो टीथ होते हैं बेटा वो एक्रोडोंट टाइप के होते हैं एंड द सेकेंड टाइप इज प्लूरोडोंट. प्लूरोडोंट क्या होते हैं, टीथ जो होते हैं बेटा दे आर अटैच्ड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द कैविटी. टीथ अटैच्ड ऑन लेटरल साइड, किस तरीके से अटैच होंगे बेटा, ये इस तरीके से, ये जो टीथ है इट्स अटैच टू द लेटरल साइड. ठीक है, यहां पर बेटा ये वन साइड से अटैचमेंट देखने को मिलती है. इस तरीके के जो टीथ होते हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं बेटा, जनरली रेप्टाइल्स के अंदर. लेकिन रेप्टाइल्स में भी बेटा अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें उसमें ऐसा टीथ नहीं देखने को मिलता. तो आई कैन मेंशन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है. नेक्स्ट टाइप इसकी देखते हैं बेटा, ह्यूमन बींग का मैंने बताया था सॉकेट में फिट होते हैं, उनको क्या बोला था, बोलो थीकोडोंट. थीकोडोंट मींस टीथ फिट्स इनटू सॉकेट. सॉकेट के अंदर फिट होता है, कैसे फिट होता है देखते हैं. ये है बेटा सॉकेट, यानी कि आपकी जॉ बोन के अंदर फिट होने की हम यहाँ बात कर रहे हैं. टीथ जो होता है बेटा इस तरीके से फिट होता है, ऐसे दांत देखने को मिलता है. तो दिस इज द थर्ड टाइप, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, किस तरीके से वो जॉ बोन के साथ अटैच है, हम टीथ को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक्रोडोंट जो कि बेटा सुपरफिशियली अटैच है, फिशेज एंड एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट प्लूरोडोंट, दे अटैच टू द लेटरल साइड ऑफ द कैविटी. ऐसे लेटरल साइड में एक साइड से अटैच है बेटा, ये दांत है एक साइड से अटैच. रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, लेकिन क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शनल केस. ठीक है, जो सॉकेट में फिट होते हैं, दीज टाइप ऑफ टीथ कैन बी सीन इन ह्यूमन. ठीक है, ह्यूमन के अलावा और कौन हो सकता है, अभी तो बोला क्रोकोडाइल में नहीं है, तो आई कैन मेंशन क्रोकोडाइल. ठीक है, जॉ के अंदर फिट होता है इसलिए हमने इसको बोल दिया बेटा थीकोडो. तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट. लास्ट अटैच टाइप और देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प. चलो करें शुरू.
नेक्स्ट टाइप है बेटा टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प. शेप ऑफ कस्प अभी मैंने आपको बताया ह्यूमन बीइंग के जो कस्प का शेप होता है वो ब्लंट होता है जिसकी वजह से उनको क्या बोला बेटा ब्यूनोडोंट. ब्यूनोडोंट मींस शेप ऑफ कस्प इज ब्लंट. कैसे? इस तरीके से बेटा ब्लंट शेप होती है ना. ऐसा ही अभी तो हमने देखा तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है. तो ये जो शेप थी बेटा दिस ब्लंट शेप प्रेजेंट होती है. ठीक है. सेकंड टाइप इसके अंदर हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हो सकते हैं बेटा जिनकी शेप जो होती है पॉइंटेड हो सकती है. उनको बोलते हैं सेकोडोन. सेकोडोन मींस ये हमने किसमें देखा इसका एग्जांपल बेटा हम ह्यूमन लिख सकते हैं. सेकोडोंट मींस कस्प जो होते हैं बेटा कस्प पॉइंटेड कस्प. पॉइंटेड कस्प देखने को मिलते हैं. ठीक है. किसमें देखने को मिलेंगे बोलो भाई. जो चीड़ फाड़ करने वाले जानवर होंगे बेटा जो कस्प होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं इस तरीके से. इन कार्निवोर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है. तो इसका एग्जाम्पल कार्निवोर रहेगा. नेक्स्ट सेलेनोडोंट. सेलेनोडोंट के अंदर जो कस्प रहता है बेटा क्रिसेंट शेप रहता है. क्रिसेंट शेप मींस इस तरीके से होते हैं बेटा कस्प जो थे इस तरीके से देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो जनरली ऐसे कस्प किसमें देखने को मिलेंगे ग्रेजिंग एनिमल या फिर कैटल्स आप बोल सकते हो. फॉर एग्जांपल कैटल्स ग्रेजिंग एनिमल्स. एंड द लास्ट टाइप इज लोफोडोंट. इसमें जो टीथ होता है बेटा वो जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं ना अप एंड डाउन उस तरीके से देखने को मिलते हैं. जो कस्प है कस्प लॉन्ग एंड लाइक स्पीड ब्रेकर इस तरीके से ऐसे कस्प जो होता है ऐसे देखने को मिलेगा. सच टाइप ऑफ टीथ कैन बी सीन इन एलिफेंट्स. इस तरीके के टीथ जो है बेटा एलिफेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ कस्प ब्यूनोडोंट जिनके अंदर ब्लंट कस्प होते हैं ह्यूमन में देखने को मिलता है. सेकोडोंट पॉइंटेड कस्प है विच कैन बी सीन इन कार्निवोर. सेलेनोडोंट क्रेसेंट शेप कस्प ग्रेजिंग एनिमल कैटल्स के अंदर जनरली देखने को मिलते हैं. लोफोडोंट जो होते हैं बेटा वो एलिफेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं. द होल जितना भी टीथ रहेगा दैट इज कवर्ड विद क्या बोलते हो आप इनेमल. इनेमल से कवर रहता है इसके अंदर. ठीक है. अभी टीथ का अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड किस टीथ के ऊपर कौन कौन सी किस तरीके की लेयर्स होती हैं. अभी हम शुरू करते हैं बेटा. आई थिंक इट्स क्लियर बोलो. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा. इसके अंदर हम ह्यूमन टीथ की यहां पर बात कर रहे हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है. ह्यूमन टूथ का स्ट्रक्चर देखते हैं. ठीक है. अभी हमने बताया दांत जो होता है बेटा वो किसमें सॉकेट में फिट होता है बोनी सॉकेट के अंदर. दांत का स्ट्रक्चर ब्लंट कस्प है राइट इस तरीके से. ठीक है. टीथ के बेटा
होते हैं बेटा दांत के आपके अपर पोर्शन इज कॉल्ड क्राउन। द सेकेंड पोर्शन जहां पर ये गम्स प्रेजेंट है, दीज आर गम्स। सेकेंड पोर्शन इज कॉल्ड नेक रीजन एंड दिस पोर्शन इज रूट। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये दांत नजर आता है। दिस इज द रूट ओपनिंग, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एपिकल फोरामेन। द क्राउन पार्ट ऑफ द टीथ इज कवर्ड बाय अ हार्ड लेयर, बोन लाइक मटेरियल रहता है बेटा, जिसको बोलते हैं इनेमल। तो द अपर पोर्शन ऑफ द टीथ इज कवर्ड बाय इनेमल। इनेमल क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है बेटा अपनी बॉडी का। ठीक है, किस किस से बना होता है बेटा इनेमल, में क्या क्या होता है? तो इनेमल फर्स्ट लेयर होती टीथ की। इनेमल के अंदर बेटा कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फ्लोराइड एंड दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल। इनेमल को सीक्रेट करने वाले जो सेल्स होते हैं बेटा, सीक्रेटेड बाय एमीलोब्लास्ट। एमीलोब्लास्ट के द्वारा बेटा इनेमल जो होता है वो सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, अंदर जो लेयर होती है द सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन, इज कॉल्ड डेंटाइन लेयर। इस लेयर की बात कर रहे हैं बेटा, दिस इज डेंटाइन। डेंटाइन किससे बनी है? अगेन कैल्शियम सॉल्ट से। इनेमल जो होता है बेटा इट कवर्स जस्ट क्राउन रीजन, सिर्फ और सिर्फ क्राउन वाले रीजन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनेमल में आप लिख सकते हो प्रेजेंट ओनली एट क्राउन रीजन। लेकिन जो डेंटाइन लेयर है, सेकेंड लेयर जो हमने लिखा है बेटा, ये मैं यहां पर मेंशन कर रही हूं डेंटाइन, दिस वाज द फर्स्ट लेयर, सेकेंड डेंटाइन। डेंटाइन कंप्लीट प्रेजेंट ऑल ओवर द टीथ, मीन अंदर पूरा तरफ से कवर किया हुआ बेटा इसमें। ठीक है, ये यहां पर भी ये प्रेजेंट है, दिस लेयर इस तरीके से। अब इस डेंटाइन को भी किसी सेल ने सीक्रेट किया होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा। तो डेंटाइन को सीक्रेट करने वाले जो सेल होते हैं बेटा, सीक्रेटेड बाय ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स। यहां पर अमीलोब्लास्ट सेल्स थे और यहां पर कौन से सेल है बेटा? ओडोन्टोब्लास्ट। थर्ड एरिया इज पल्प, विच इज प्रेजेंट इन द पल्प कैविटी। ये सारे जो है बेटा ये थर्ड एरिया यानी कि पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी। और जो बेटा पल्प कैविटी है इट्स फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, पल्प जिसको हम बोलते हैं, फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसके अंदर बेटा इस तरीके से ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स जो है बेटा वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स आर प्रेजेंट, कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पल्प और इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड ऑल द
एरिया है बेटा यहाँ का, इस एरिया की मैं बात कर रही हूँ। इट्स ऑल बोनी पार्ट। रूट ये कहाँ पर प्रेजेंट है? बोनी पार्ट में। एल्वियोलर बोन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। यहाँ इस लेयर के बीच में एक पेरिडोंटल लेयर होती है बेटा, डेंटाइन से पहले एक पेरिडोंटल लेयर इज प्रेजेंट, पेरिडोंटल लेयर। एंड बिटवीन दिस पेरिडोंटल और ये गम वाला जो एरिया है बेटा, एक सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट होती है जो कि इसको फिक्स रखती है दांत को बोनी सॉकेट के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या देखा? इसमें हमने देखा बेटा कि जो दांत होता है उसके तीन पार्ट्स हमने देखे। अपर पोर्शन इज क्राउन रीजन, देन नेक रीजन, नेक के बाद क्या होता है बेटा रूट रीजन है, और अपर पोर्शन यानी कि क्राउन पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। क्राउन पोर्शन किससे घिरा हुआ होता है? इट्स कवर्ड विद, इट्स कवर्ड विद इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट मटीरियल। और बेटा जो इनेमल होता है किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फोरस एंड फ्लोराइड का। फ्लोराइड दांत के लिए जरूरी है, बट एक्सेस ऑफ फ्लोराइड विल कॉज लॉस ऑफ इनेमल। ज्यादा अगर किसी चीज की अति, हर एक चीज की बुरी होती है बेटा, तो एक्सेस ऑफ फ्लोराइड अगर दांत में हो जाएगा तो इट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द इनेमल, और धीरे धीरे इनेमल जो है बेटा वो झड़ना शुरू हो जाएगा, विल कॉज मोल्टिंग ऑफ टीथ। दांत का झड़ना, जो इनेमल ऊपर लेयर जो है बेटा वो झड़नी शुरू हो जाएगी। सेकेंड लेयर जो है अंदर उसको हमने बोला बेटा डेंटाइन। डेंटाइन इज प्रेजेंट ऑल ओवर द टीथ, पूरे टीथ के अंदर जो है बेटा डेंटाइन लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने देखा बेटा ये गम वाला रीजन है, और इससे नीचे ये वाला रीजन रूट पोर्शन ऑफ द टीथ। रूट जो होती है बेटा ये इस तरीके से, ये यहाँ पर आपको ये दो दिख रहे हैं, दिस इज रूट कैनाल, रूट कैनाल बोल सकते हो। तो रूट कैनाल यहाँ पर दो रूट कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमने देखा डेंटाइन को सीक्रेट कौन से सेल ने किया था बेटा? ऑडेंटो ब्लास्ट सेल ने सीक्रेट किया था, ऑडेंटो ब्लास्ट। और इनेमल को, इनेमल को सीक्रेट करने वाले सेल थे बेटा अमीलो ब्लास्ट, ठीक है। थर्ड हमने देखा पल्प इज प्रेजेंट। पल्प प्रेजेंट कहाँ होता है बेटा? पल्प कैविटी के अंदर। बेसिकली दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल देखने को मिलती हैं। ब्लड वेसल, और आप दूसरे कलर से हम यहाँ दिखा देते हैं बेटा नर्व सेल्स, दीज आर नर्व सेल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द टीथ स्ट्रक्चर, ये हमें कवर करना है बेटा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए, गुड लक, थैंक यू।